हाथ में तमंचा, भ्रकुटियां तनी हुई, छाती तानकर सफेद कपड़े और सुरक्षा घेरे के साथ पहुंचा ये शख्स कोई गुंडा नहीं है बल्कि नीतीश कुमार की जेडीयू के गोपालपुर से विधायक गोपाल मंडल है। बस पोती का इलाज कराने के लिए अस्पताल पहुंचे हैं, धौंस जमाने के लिए रिवॉल्वर हाथ में है और ऐसे पकड़ रखी है जैसे दो चार को आज मार ही गिराएंगे। वैसे इस तरह से पब्लिक प्लेस पर खुली पिस्टल लेकर घूमना कानूनन जुर्म है, लेकिन सरकार अपनी हो तो कानून में डिस्काउंट मिल सकता है। मामला मंगलवार की शाम का है जब हाथ में रिवॉल्वर लिए जेडीयू विधायक गोपाल मंडल जवाहरलाल नेहरू अस्पताल पहुंच गए क्योंकि उन्हें अपनी पोती का सीटी स्कैन कराना था। इस दौरान हाथ में रिवॉल्वर देख विधायक के कारनामे नहीं जानने वाले सकते में आ गए। पूछने पर विधायक ने लोकल भाषा में कहा कि हाथ में ना लेके ना चलबे तब भीतरी में लेके चलबे। इसका मतलब था कि हाथ में रिवॉल्वर नहीं रखेंगे तो क्या कमर में रखेंगे। विधायक का कहना है कि पहले उनके पीछे चोर बदमाश लगे हुए थे कि जान ले लें, अब जब से एमपी बनने की तैयारी कर रहे हैं यानी कि सांसद बनने की तैयारी कर रहे हैं, राजनीतिक लोग लगे हुए हैं कि यह जिंदा रहेगा तो एमपी बन जाएगा, इसलिए हाथ में रिवॉल्वर रखते हैं। जरा भी इधर उधर हुआ कि बिना देर किए थोक देंगे। कहीं कोई विवाद नहीं, हमारा यही स्टाइल है, हमारे लोग, हमारे वोटर, हमारे हुरमुठ अदा के दीवाने हैं, ये कहना है इन विधायक महोदय का। हम भी उनके लिए दिन रात कभी भी कहीं भी किसी से टकराने के लिए तैयार रहते हैं। बता दें कि विधायक गोपाल मंडल का विवादों से पुराना नाता रहा है। कभी गोपालपुर से आए मरीज के उपचार में देरी पर एक डॉक्टर को AK-47 से भून देने की धमकी, तो कभी DSP मुख्यालय को इलाके के युवक की बेरहमी से पिटाई करने पर गंगा में फेंक देने की धमकी दे चुके हैं। एक बार वो वीडियो दिखाते हैं जिसमें विधायक तमंचा पकड़कर अस्पताल में घूम रहे हैं। आप देख सकते हैं तस्वीरों में किस तरह से विधायक के हाथ में तमंचा है। तमंचा हमने थोड़ा सा ब्लर कर दिया है क्योंकि इस तरह से पिस्टल दिखाने को जागरण परिवार ठीक नहीं मानता है, इसलिए ये पिस्टल हमने ब्लर कर दिया। लेकिन आप देख सकते हैं कि खुले में हाथ में रिवॉल्वर लिए हैं और जो लोग हैं वो देख रहे हैं कि विधायक एकदम खड़े हुए हैं, थमथमाए हुए, और जो आम लोग हैं वो सकते में आ जाते हैं इस तरह की घटनाओं को देखकर, क्योंकि ये आम काम नहीं है इस तरह से अस्पताल में घुसकर हाथ में तमंचा लेकर और पब्लिक प्लेस पर पहुंच जाना।